नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। फिलहाल वक्त चला है देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। सुल्तानपुर में बल्दीराय थाना क्षेत्र के हेमनापुर गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से दो मासूमों की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर तफ्तीश शुरू कर दी है। अमेठी में थाना रामगंज क्षेत्र से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घोरहा पेट्रोल पंप के सामने से राजेश यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। अमेठी में थाना अमेठी क्षेत्र के बेनीपुर तिराहे से पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जानलेवा हमले में वांछित अभिषेक यादव को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। बहराइच में आदर्श थाना रुपईदिया क्षेत्र के बाबागंज बाजार के पास से पुलिस ने बलात्कार में वांछित दो बदमाशों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस कई दिनों से इनकी तलाश में जुटी हुई थी और आखिरकार ये पुलिस के हत्थे चढ़ी है। बहराइच के रिच चकिया क्षेत्र में बदमाश धड़ल्ले से सागौन के पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। गौरतलब है कि स्थानीय लोगों ने कई बार वन विभाग को इस मामले की जानकारी भी दी, लेकिन ये समस्या जस की तस बनी हुई है। बहराइच में थाना मटेरा क्षेत्र से लापता हुई 8 साल की नाबालिग लड़की को पुलिस ने 24 घंटों के अंदर ही बरामद कर उसे उसके परिजनों को सौंप दिया है। आपको बता दें कि बच्ची घर वालों से नाराज होकर ही घर से चली गई थी। चंदौली में रेल पुलिस ने DDU जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 3 और 4 की सीढ़ी के पास दो बदमाशों को धर दबोचा है। वहीं बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने करीब 34 किलो 162 ग्राम चांदी भी बरामद की। वाराणसी में थाना चेतगंज क्षेत्र के अंधरा पुल के पास मौजूद जूते की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वही मामले की जानकारी पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह से आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। महोबा में अजनर थाना क्षेत्र के धौररा गाँव में रहने वाले सफाई कर्मचारी नरेंद्र कुमार के साथ गांव के ही एक दबंग ने गाली गलौज कर मारपीट की, जिसका एक वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस पूरी वारदात से सफाई कर्मियों के संगठन में भारी आक्रोश है। सभी ने मिलकर अजनर थाने में पहुंचकर दबंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। झांसी में मोड़ थाना क्षेत्र के शाहपुर बस स्टैंड के पास एक मोबाइल की दुकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। आपको बता दें कि मौके से चोर सामान और कुछ नकदी लेकर फरार हो चुके थे। हालांकि उनकी ये करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर ही उनकी तलाश कर रही है। झांसी में थाना मऊरानीपुर क्षेत्र में हुए गोलीकांड में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसी बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा मऊरानीपुर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इसी बीच अग्रवाल समाज की महिलाएं प्रदर्शन करते हुए कोतवाली पहुंची और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।